अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। तो आज बहुत दिनों बाद हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और भी वीडियो पड़ी हुई है फ़ोन में, उसको एडिट करके डालना है। और तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी, और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो शूट करूँ या फिर डालूँ कुछ भी। इतने टाइम से लगन का काम कर रही थी और लगन भी चल रहा था, आप लोग जानते होंगे, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, शूट भी नहीं कर पा रही। तो जो वीडियो है वो एडिट नहीं है, एडिट कर लूँगी, फिर डाल दूँगी। तो प्लीज़ 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 वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, क्योंकि बहुत प्यारा लहंगा दिखाने वाली हूँ जो ब्राइडल है, उसके लिए आप लोग को वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। और जो जो चैनल पे नए हैं, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें, कमेंट्स कर लें, और ढेर सारा प्यार दें। आपके सपोर्ट और प्यार से सिर्फ कुछ 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 यानी 150 सब्सक्राइबर का मैं, आप लोग प्लीज़ 150 सब्सक्राइबर और कर दीजिए, ताकि मेरे 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करिए। तो टाइम को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं सोच रही हूँ पहले आप लोगों को लहंगा दिखा ही दूँ, तो चलिए मैं दिखाती हूँ पहले लहंगा। तो ये अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। तो आज बहुत दिनों बाद हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और भी वीडियो पड़ी हुई है फ़ोन में, उसको एडिट करके डालना है। तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी, और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो शूट करूँ या फिर डालूँ कुछ भी। इतने टाइम से लगन का काम कर रही थी, और लगन भी चल रहा था, आप लोग जानते होंगे, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, शूट भी नहीं कर पा रही। तो जो वीडियो है वो एडिट नहीं है, एडिट कर लूँगी, फिर डाल दूँगी। तो प्लीज़ 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 वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, क्योंकि बहुत प्यारा लहंगा दिखाने वाली हूँ जो ब्राइडल है, उसके लिए आप लोग को वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। और जो जो चैनल पे नए हैं, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें, कमेंट्स कर लें, और ढेर सारा प्यार दें। आपके सपोर्ट और प्यार से सिर्फ कुछ 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 यानी 150 सब्सक्राइबर का मैं, आप लोग प्लीज़ 150 सब्सक्राइबर और कर दीजिए, ताकि मेरे 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करिए। तो टाइम को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं सोच रही हूँ पहले आप लोगों को लहंगा दिखा ही दूँ, तो चलिए मैं दिखाती हूँ पहले लहंगा। तो ये आप लोगों को ज़्यादा वीडियो ना लंबी कर, तो चलिए दिखाते हैं अपना लहंगा। तो ये अभी अभी बिल्कुल मैं मशीन से उठी हूँ बना के, देखिए कैची अच्छी मशीन पे फैले हुए कपड़े पूरे फैले हुए। तो ये मैं अभी अभी बिल्कुल लहंगा बना के उठी हूँ मशीन से। तो ये है मेरा पहले ब्लाउज, आप लोग देख सकते हैं, पैरेट ब्लाउज है, आगे वी गला है, आगे का गला 8 इंच है, क्योंकि डिज़ाइन ऐसा था। और ये प्रिंसेस कट नहीं है, 1 डॉट वाले ब्लाउज है, सिंपल ब्लाउज है, 1 डॉट पे बने हुए हैं, फ्रंट पे सिर्फ 1 डॉट है, और पूरे में कोट डोरी से पाइपिंग लगा हुआ है सिमर का, गोल्डन सिमर से। और ये नेक पे एम्ब्रॉयड्री है, यहाँ पे एम्ब्रॉयड्री है, आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयड्री है, यहाँ पे एम्ब्रॉयड्री है, यहाँ पे एम्ब्रॉयड्री है। ये 15 इंच का ब्लाउज बना हुआ है, स्लीव्स इसकी 10 इंच है, स्लीव्स पे डिज़ाइन है, यहाँ पे भी सीमर से कॉर्डोरी लगा के पाइपिंग बनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्ब्रॉयड्री है, यहाँ पे एम्ब्रॉयड्री है। ये इसका बैक है, तो बैक पे भी एम्ब्रॉयड्री है, और बैक हुक है, क्योंकि साइड जिप जो होता है थोड़ा सा पहनने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने साइड जिप नहीं करते हैं, कस्टमर को इससे होता है। और पीछे से ये एक डोरी लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं पीछे एक सिंगल, ये क्या बोलते हैं, बैक का है डिज़ाइन, ये बैक की डिज़ाइन है, और ये फ्रंट का डिज़ाइन है। तो आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा ब्लाउज कैसा है। और ये पैड, ये है ब्लाउज, ये फ्रंट का है, ये बैक का है, जैसे मैंने दिखा दिया। और ये कुछ गाजरी, ये गाजरी कलर का है, रानी कलर नहीं है, पिंक कलर नहीं है, ये गाजरी कलर का ब्लाउज। इसमें जो एम्ब्रॉयड्री है ये गोल्डन कलर का है, और ये गाजरी कलर है, रानी नहीं है, गाजरी और ग्रीन है, पैरट ग्रीन होता है वही, पैरट ग्रीन है, और पैरट ब्लाउज है।
और ये ब्लाउज 15 इंच का बना है। मैं बार बार बता दूं इसकी लेंथ जो है 15 इंच बनी हुई है। यहाँ से मैंने लेंथ को कम किया, कढ़ाई बहुत लंबी होती है। रेडीमेड ब्लाउज जो आते हैं लहंगे के साथ उसका जो है एम्ब्रॉयडरी लंबा आता है, ताकि बहुत लोग इसकी कुर्तियाँ बनवाते हैं, इसीलिए हम लोगों को ये चीज़ अटैच करना पड़ता है। इसे मैंने निकाल के ऊपर अटैच किया। तो चलिए इसका लहंगा दिखाते हैं। तो लहंगा जो था लंबा था कस्टमर को, तो लहंगा बना हुआ नहीं था, खुला था, साइड से खुला ही होता है, फिर उसको खोल के अच्छे से स्टिच करना पड़ता है। तो मैंने लहंगे को खोला और 2 इंच कम किया। कम करने बाद इस कलियों को थोड़ा थोड़ा गैपिंग किया। इस कली को तो हम नहीं दबा सकते थे, ये गाजरी कली को हम नहीं दबा सकते, पर ग्रीन कली को हम दबा सकते थे। तो हमने इस कली को ऐसे दबाया है कहीं कहीं, तब जाके इसकी कमर परफेक्ट आई है। ये कमर बनी है 40, कस्टमर की 39 थी। मैंने 1 इंच हमने लूजिंग दिया है, ताकि कि कम ना हो ज़्यादा, मतलब लूज़ हो जाए, टाइट ना हो। और डोरी को यहाँ से नहीं, थोड़ा दूर करके, ताकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती, आप देख सकते हैं मैंने डोरी इतनी दूरी पे लगाया हुआ है, तो अगर ये कोई प्रॉब्लम होती है तो हम जब इसको खींचेंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही से बैठ जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। और इसमें जो अस्तर है वो सिंगल लगा हुआ है, पर ये देखिए, तो ये इसका लहंगा है। और ये लटकन जो है ये मैंने बनाया है, लटकन बना हुआ नहीं था, आप लोग देख सकते हैं, वैसे दिखाओ। तो ये लहंगा, ये लटकन बहुत छोटा था, तो कस्टमर ने बोला कि ये लहंगा बहुत छोटा है, तो ये मैंने फैब्रिक जो बचा हुआ था ब्लाउज में उससे, और ये सब फैब्रिक मेरे पास बचे हुए थे, तो मैंने इसको ऐसे ही एडजस्ट करके बनाया, और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सब चीज़ें मैंने लटकन से ही निकाली थी, ये और ये सब मोतियाँ होती हैं तो रखी थी मेरे पास गोल्डन कलर की छोटी बड़ी, पर ये मैंने लटकन से निकाला, बहुत छोटा लटकन था, इसके साथ सिर्फ इतना था, इतना था, और ये कुछ मोतियाँ यहाँ पे लगी हुई थी। तो ये है लटकन, आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है। और ये लहंगा है, ये 32 कली का लहंगा, इसमें 32 कली है, आप देख सकते हैं, सॉरी 22 कली है, 32 नहीं है, सॉरी 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 17 कली है, सॉरी 18 कली, ना 32 है ना 22 है, ये 18 कली का था, मैं भूल गई थी गिनती करने में, तो ये 18 कली का है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा फिटी है। ये दुल्हन का नहीं है, दुल्हन की मम्मी का है, दुल्हन का लहंगा नहीं है, तो दुल्हन की सासू माँ का ये लहंगा है। आप इसका घेरा देख सकते हैं, कितने मिनट होगा, तो ये इसका घेरा है और ये इसका पूरा लुक है लहंगे का। चलो फोन आ गया, बस करो। और इस पे लहंगे पे भी पूरा एम्ब्रॉयडरी, आप लोग देख सकते हैं पूरा एम्ब्रॉयडरी है, थोड़ा दूर जाओ, दूर से लो, अच्छा बस। तो प्लीज़ आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे, आप लोग अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और मेरे चैनल पे बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कमेंट्स कर लें और ढेर सारा प्यार दें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और लहंगा कैसे लगा आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। अगर आप लोगों को ये लहंगा लेना है, ऐसा लहंगा कुछ लेना है, अगर आप लोग प्रयागराज से हो या प्रयागराज से नहीं हो, आसपास से हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, मैं एड्रेस दूंगी, आप लोग वहां से जाके लहंगा परचेज कर सकते हैं, बहुत 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 कम रेंज में मिलेगा। तो प्लीज़ 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 आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।